हेलो एंड वेलकम गाइस, आपके अपने चैनल डीसी ब्लॉग्स पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से, हमें कैनॉट प्लेस में, और कैनॉट प्लेस से निकल के हम लोग जा रहे हैं बंगला साहिब। तो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा बंगला साहिब, जो कि एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है दिल्ली में, और वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग कैनॉट प्लेस से पैदल वॉक करके जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों का शॉर्ट रास्ता है, किस जगह पे आके आप लोगों को ज़्यादा सही रहेगा पैदल चलने के लिए या ऑटो लेने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में दी जाएगी, आप लोग वीडियो में बने रहें। ऐसे अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, इस साइड पे जंतर मंतर का, अभी टाइम मिला तो इस जंतर मंतर के अंदर मैं एंट्री करके आपको दिखाऊंगा। मेरे से बिना पूछे मेरी वीडियो शूट कर रहा तो कर ना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हाँ, कॉपीराइट देंगे भाई हमें, देखो। चलो मिलते हैं आगे। बंगला साहिब गुरुद्वारा आने के लिए आपको जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन रहेगा वह स्टेशन होगा पटेल चौक। पटेल चौक से मात्र 500 मीटर की ही डिस्टेंस है, तो आप चाहें तो ऑटो या रिक्शा में आ सकते हैं, या आप पैदल भी आ सकते हैं। कैनॉट प्लेस से पैदल आते हुए आपको जय सिंह वाली रोड पे आना होगा, और यहाँ पे आके आपको एक बेहद ही शानदार NDRF की यह खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी, जिससे थोड़ा ही आगे चलने पर आपको वहाँ पे नज़र आ जाता है बंगला साहिब लेन। और यहाँ पे से 100 मीटर आगे पर ही बंगला साहिब गुरुद्वारा है, और उसके बाहर पे यह काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप कीमती वस्तुएं खरीद सकते हैं। गुरुद्वारा में प्रवेश करने के लिए आपके सर में चुनरी या रुमाल का होना अनिवार्य है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस जगह से खरीद सकते हैं। गुरुद्वारा में आने के लिए 2 गेट हैं, हम हैं अभी गेट नंबर 1 पे, और इसी के नीचे पार्किंग की सुविधा भी है। चलिए अब हम अंदर को प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही आपको साइड में जो दीवारें हैं वह गोल्डन और वाइट कलर से नज़र आ जाती हैं, और यही इसकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ाती हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है, और यह अपने स्वर्ण रूपी गुंबद शिखर से एकदम ही पहचान में आ जाता है। यह गुरुद्वारा नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गोल मार्केट के निकट स्थित है। अगर आप यहां से अपनी पार्किंग से आते हैं तो वहां पे आपको लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। गुरुद्वारे के बाहर पे जब आप घूम रहे होंगे तो सामने पर ही आपको दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग भी नज़र आ जाती है। तो यह गुरुद्वारा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल निकट ही स्थित है। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले आपको अपने हाथ और मुंह को स्वच्छ करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे टैप वाटर की सुविधा अवेलेबल है, और इस जगह पे आके आप अपने हाथ और मुंह को साफ कर सकते हैं। और आपको वहीं पर ही जूता घर भी नज़र आएगा, जहाँ पे आपको अपने जूते जमा करने होंगे, जो कि बिल्कुल निशुल्क होता है। जूता जमा करने पर आपको वहाँ से दिया जाएगा एक टोकन, और बाद में जब आप वापस आएंगे तो फिर इसी टोकन की मदद से आपको जूता दिया जाएगा। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर, तो अंदर जाने से पहले आपको अपने पाँव को साफ करना होगा, और इस जगह पे आके आप अपने पाँव को अच्छी तरीके से साफ कर लें। अंदर जाते ही गुरुद्वारे की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी, और यहाँ पे जो खूबसूरती है और आप देख सकते हैं जो टाइल वर्क्स है वह भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है। यह वह मेन गेट है जहाँ से अभी हमने प्रवेश किया था। बताना चाहूँगा कि गुरुद्वारे के अंदर किसी भी प्रसाद का, किसी भी प्रकार का भोग या प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए अगर आपके पास भोग या प्रसाद है तो आप उसको अपने बैग में ही कैरी करके रख सकते हैं। और अगर आपको इस गुरुद्वारे का प्रसाद चाहिए तो यहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी, और इस जगह से आप प्रसाद खरीद सकते हैं और उसको आप अपने पास ही रख सकते हैं।
आइए अब बात करते हैं गुरुद्वारे के इतिहास की। यह गुरुद्वारा सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन सिंह से संबंध रखता है। यह गुरुद्वारा शुरुआत में एक बंगला था जो जयपुर के महाराजा जय सिंह का था और उन्होंने बाद में इसे दान कर दिया था। इस गुरुद्वारे को बंगला साहिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उस ऐतिहासिक बंगले से जुड़ा हुआ है जहां गुरु हरकिशन सिंह साहिब ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान यहां रहे थे। अब हम यहां से बढ़ते हैं गुरुद्वारे के अंदर की तरफ को, जहां पे आपको एक गद्दी दिखाई देगी जिस पर सिख धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब रखी जाती है और उसी के सामने सभी श्रद्धालु अपना मत्था टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसके ही यहाँ पे आपको बैठने की जगह भी मिल जाती है जहाँ पे आप प्रार्थना का आनंद ले सकते हैं और आप बैठ के प्रार्थना भी वहाँ पे कर सकते हैं। प्रार्थना संपन्न होने के बाद अगर आप वहाँ से जब बाहर को आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बेहद ही खूबसूरत सरोवर नज़र आएगी और जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं वह इस सरोवर में पहले स्नान करते हैं और फिर दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। गुरुद्वारे के आसपास साफ सफाई का बेहद ही ध्यान रखा जाता है। यह सरोवर का इतिहास काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि 1664 के दौरान जब गुरु हरकिशन सिंह जी यहाँ पे थे तो उस समय पे हीजा और चेचक जैसी बीमारियाँ हुआ करती थी और इस जगह पे एक कुआं हुआ करता था जहाँ के पानी से गुरु हरकिशन जी ने हीजा और चेचक जैसी बीमारियों को समाप्त किया था। इसलिए इस पानी का महत्व आज भी काफ़ी ज़्यादा है और सिख समुदाय के लोग आज भी अपने घरों को यहाँ का पानी लेके जाते हैं क्योंकि इसमें माना जाता है कि आज भी काफ़ी चिकित्सात्मक गुण हैं। इस जगह पे आपको फ्री लंगर भी अवेलेबल होता है जो कि लगभग सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात के 11 बजे तक चलता है। शाम को लगभग 3 घंटे के लिए यह बंद रहता है। लगभग 4 से 7 बजे यहाँ पे आपको गुरुद्वारा का लंगर जो है वो नहीं मिलता है। यह गुरुद्वारा जितना शानदार दिन में नज़र आता है उससे अत्यधिक शानदार यह रात में हो जाता है, तो रात के दृश्य को भी आप ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। और गुरुद्वारा में बेहद ही सबसे जो शानदार चीज़ होती है वह होता है यहाँ का प्रसाद। तो आप यहाँ पे का जब भी आएँ तो यहाँ पे का जो हलवा है वह बेहद ही फेमस है, तो उसे ज़रूर खाएं। और आप देख सकते हैं कि रात का दृश्य यहाँ पे और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। और आप अगर गुरुद्वारा आ रहे हैं और आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो गुरुद्वारे के अंदर ही यहाँ पे यह गेस्ट हाउस भी हैं और आप चाहें तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। यह है गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 से तो हमने प्रवेश किया था और यह है गेट नंबर 2 जो कि इसका बैक डोर भी है। आप चाहें तो इस जगह से भी प्रवेश कर सकते हैं बट गेट नंबर 1 से प्रवेश करने पर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहाँ इस गुरुद्वारे में पहले आ रखा है और कौन कौन अब यहाँ पे आने का विचार बना रहा है। गुरुद्वारे की खूबसूरती और भी अधिक तब बढ़ती है जब यहाँ पे गोल्डन और वाइट कलर्स की बिल्डिंग पे जो लाइट है वह लगती हैं, तो यह देखने पे और भी अत्यधिक शानदार नज़र आता है और आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि आप इस गुरुद्वारे से बाहर जाएं। आपको ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं। और इस गुरुद्वारे में अगर आपको कुछ भी काम करना हो तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग काम करने आते हैं वह अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे काम करते हैं और सेवा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस ब्लॉग के द्वारा आपको गुरुद्वारे से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और अगर आपको यह ब्लॉग मेरा पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।